फ्रेंड्स, आज हम लोग RS अग्रवाल का क्लास 8 का मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और इसमें हम लोग एक चैप्टर है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, उस चैप्टर को समझेंगे। तो हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर निकालते हैं। चैप्टर 3 है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि स्क्वायर किसको बोलते हैं। व्हाट इज स्क्वायर? द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर इट्सेल्फ। इसका मतलब है किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब होता है उस नंबर का खुद के साथ मल्टीप्लाई। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 4 का स्क्वायर बोलते हैं, मतलब 4 का खुद 4 के साथ मल्टीप्लाई को 4 का स्क्वायर बोलते हैं, और इसका वैल्यू होता है 4 × 4 16। 5 का स्क्वायर होता है 5 × खुद 5 के साथ मल्टीप्लाई, तो 5 × 5 = 25। ये तो हो गया स्क्वायर। किसी भी नंबर का स्क्वायर का मतलब क्या होता है? उस नंबर का खुद के साथ मल्टीप्लाई, दैट्स इट। और स्क्वायर रूट, ये तो स्क्वायर हो गया। स्क्वायर रूट एक ऐसा मशीन है, ऐसा हम समझते हैं कि स्क्वायर रूट एक ऐसा मशीन है जिसमें सेम नंबर के मल्टीप्लाई में अगर नंबर रहेगा तो आंसर उसका वो एक नंबर बाहर आ जाएगा और आंसर वही हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, 16 का स्क्वायर रूट 4 × 4, 4 का पेयर बन गया, मतलब आंसर 4 हो गया। रूट भी ख़त्म हो गया, ये भी ख़त्म। √25 सेम नंबर के मल्टीप्लाई में लिखेंगे, 5 × 5, तो ये 5 आ गया। इसी तरह √32, अब ये कैसे लिखेंगे मल्टीप्लाई में? इसके लिए हम उस नंबर का एलसीएम निकालते हैं। जैसे 32 का रूट है तो 32 का एलसीएम निकालेंगे, 2 से देंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स आया। तो रूट के अंदर हम लिखेंगे 2 × 2 × 2 × 2 × 2 5 टाइम्स। अब यहाँ पे 2 का एक पेयर बन रहा है तो 2 बाहर आ गया, ये दोनों ख़त्म हो गया। फिर 2 का एक पेयर बन रहा है, 2 बाहर आ गया, ये दोनों भी ख़त्म हो गया, बच गया 2। इसका पेयर नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये रूट के अंदर ही रह जाएगा और बाकी जिसका पेयर बन गया वो बाहर आ गया। 2 × 2 होता है 4, और 4√2 इसका आंसर हो जाएगा। ये जो है √16 = 4 या √25 = 5, इसमें रूट नहीं बचा, रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब ये है परफेक्ट स्क्वायर। बट √32 में रूट के अंदर 2 बच गया, इसका मतलब √32 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सो दैट 6 × 9 = 2 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। कैसे पता करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है? तो किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है पता करने के लिए क्या करते हैं, उसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालेंगे तो 2 से देंगे तो 3 × 1 = 4 6, फिर 2 से देंगे तो 1 × 5 = 7 3, फिर 11 से देंगे तो 1 = 4 3, फिर 11 से देंगे तो 1 × 3 = 13, फिर 13 से देंगे तो 1। अब इसको जो बाहर ये है नंबर, सभी को रूट के अंदर लिख लेते हैं, 1 को काउंट नहीं करते, तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 11 × 11 × 13। यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, 2 बाहर आ गया, ये दोनों ख़त्म हो गया। 11 का भी पेयर बन गया, 11 बाहर आ गया, ये दोनों भी ख़त्म हो गया। 13 का पेयर नहीं बन रहा, मतलब 13 रूट के अंदर ही रह जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 11 = 22 √13। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 6 × 9 = 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसमें रूट के अंदर एक नंबर बच गया 13। तो ऐसा सारा नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा जिसमें रूट के अंदर कुछ भी नहीं बचेगा, जैसे √16 = 4, √25 = 5, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि इसमें रूट के अंदर कुछ नहीं बचता है। बट √32, √6 × 9 = 2 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसमें रूट के अंदर बच जाता है √2, इसमें भी रूट के अंदर बच जाता है √13। थैंक यू सो मच।